पिताजी ख़त्म हुए 8 जनवरी 2019 में। उसके बाद में मैं एक महीने बाद बीमार पड़ गया, बुखार आया 7 मार्च को। वो बुखार सही नहीं हुआ, बुखार को तो डॉक्टर की तरीके से मैंने हर जगह इलाज करा अपना ही, मैं खुद ही प्रोफेसर हूँ, वहाँ इलाज हुआ, एडमिट हुआ, फिर दांतों का लगा बुखार नहीं जा रहा, फिर लगा वायरस अंदर चला गया है, फिर मेदांता एम्स अपोलो सब जगह दिखा दिखा के जब दुखी हो गए, फिर अपना महामृत्युंजय का जाप कराने हम उज्जैन गए। उज्जैन में महामृत्युंजय के जब जाप हो गए तब वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप जाप से नहीं चाहिए, आपके ऊपर तो बाधा है, और उसने उसी समय किसी क्रिया से गाड़ी में बैठे बैठे ही मेरे को एक अनोखी सी प्रेजेंटेशन आई मेरे ऊपर, तो उसने बातें शुरू करी। उसके बाद में मुझे ये लगा कि ये शायद सच कह रहा है, क्योंकि मुझे हल्कापन आ गया, और उसके बाद में मैं फिर उसी चीज़ पर करता रहा कंसंट्रेट, बीमारी का भी मान करके इलाज करता रहा, पर वो कमजोरी, कालापन, चेहरा सूख जाना, वजन कम होना, थक जाना, फिर धीरे धीरे करके मिर्गी पड़ना, धीरे धीरे करके अपने आप गर्दन और चेहरे के जकड़ने होना, फिर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी क्रिया थी कि मेरे को ऑपरेशन करना है, उसी में रोक हो जाती थी, काम से रोकना, प्रोफेशन से रोकना, उस चीज़ को वो रोकती थी। घर पे पड़ा रहूँ तो दिक्कतें कम, और जैसे ही कुछ करने का अटैम्प्ट करूँ तो ही एकदम अटैक मेरे ऊपर भी, मेरे ड्राइवर के ऊपर भी, काइफ के ऊपर भी, छोटी बिटिया के ऊपर। आपने इसके अलावा कहीं और दिखाया डॉक्टर साहब? बहुत बहुत। दुनिया के एक सबसे बड़े धाम में गए आप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठगी है? वहाँ पर तो अति में बेवकूफ़ बनाया, इतने ज़बरदस्त नियम दिखाए गए जैसे कि विश्वास हो जाता है। हाँ। गीता की कुछ रटी हुई ऐसी जो श्लोक सुनाए गए जिससे लगा ये साइंस है, ऐसा लगने लगा कि शायद दुनिया में यहीं से स्वर्ग का रास्ता खुलता है। हिप्नोटाइज करने की लिमिट, और मैं पढ़ा लिखा होकर के हिप्नोटाइज होने की मेरी भी एक लिमिट है कि मैं इतना हिप्नोटाइज हो गया, क्योंकि मेरे साथ में भाई कुछ लोग मिल गए, पुलिस वाले मिल गए, वो सब लोग मिल कर के सब ने एक तरीके का हिप्नोटाइज हो गया मैं, और विश्वास होने लगा तीसरे हवन के बाद। तो जो लोग आपके साथ गए क्या वो सारे ठीक हो गए? कोई भी ठीक नहीं हुआ, 2-3 बेवकूफ़ बन करके अभी भी वहीं पड़े हुए हैं, और पैसा गंवाने के बाद में भी, और बाकी मुझे तो कोई भी नहीं, सभी गाली देते हुए मिलते हैं, परेशान होते हुए मिलते हैं। और ये गाली बाद में क्यों देते हैं, पहले कमीने को क्यों नहीं गाली देते सारी दुनिया? वो प्रक्रिया बड़ी वैसी सी, अस्पताल है बहुत बड़ा, आयुर्वेद कहता क्या है, जैसे ये पहले ही आदमी की वीडियो बना लेता है, फिर कहता क्या है कि तेरे को असर रह गया, तेरे को संकल्प रह गया, क्या कहता है? सबसे बड़ा तो बेवकूफ़ तब बनाता है ना कि पांचवें हवन के बाद तो चीज़ें खुलेंगी, वो कहता है पांचवें हवन तक तो मैं बांध रहा हूँ तुम्हारे प्रेतों को, फिर प्रेतों को बांध रहा, फिर पितरों को बांध रहा हूँ, अब मैं खोलना चाहता हूँ। क्रिया करते करते आदमी सोचता है। आपको बताया क्या, आपको ये बताया होगा कि आपके ऊपर हजारों प्रेत लदे? मेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर तो ये बोला कि आपके पिताजी जो है गलतफहमी से आप ही के ऊपर रह गए हैं, आपके पिताजी को मुझे हटाना है, बस वो गलतफहमी में आपके ऊपर आ गए हैं, वो उनकी कोई गलती नहीं है, वो गलती से आ रहे हैं, आपको सताना नहीं चाहते हैं, वो इतना बोला उन्होंने बड़े प्यार से। आपका दिशा टीवी पे उन्होंने प्रोग्राम दिखाया, तो वो प्रोग्राम दिशा टीवी पे देख के लाखों लोग भ्रमित होंगे, और लाखों लोग वहाँ जाएंगे, और आपको पता है कि उनकी प्रक्रिया में 50,000 रुपए तो कम से कम मिनिमम आदमी खर्चता है, और आने जाने में वो इतना पैसा खर्च देता है, बहुत क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे। होटलों में रुकना पड़ता है, जगह नहीं मिलती, और होटल भी उसी के है, उसका तो व्यापार है पूरा का पूरा, टोटली व्यापार है। क्या वो आदमी आपको लगता है कि टैक्स देता है सरकार को? वो कहता है, और सरकार को टैक्स बोरियों में, कट्टों में और पेटियों में तो नहीं जाता है डॉक्टर साहब, सरकार को तो एक चेक जाता है टैक्स के रूप में, है ना, वो बोरियों में, कट्टों में और पेटियों में टैक्स देता है सरकार को, इसका मतलब किसी को रिश्वत देता है मोटी भारी? बहुत जबरदस्त देता होगा, नेता है ना वो पहले। आपने डॉक्टर साहब यहाँ देखा, यहाँ शनि धाम के नाम की एक पर्ची कटती है? कोई भी नहीं कटी मेरी तो। नहीं, आपकी नहीं कटी, आपके तो वैसे ही हमने 300 रुपए लगाने थे, और वो आप पहले वहां से दे चुके हो। अब तो हमारा काम यह है कि अगर आपको हमारी समस्या है ओ हम उसको जड़ से मिटाएं और आपको बिल्कुल फ्री करें। दिशा टीवी पे आपका प्रोग्राम दिखाया, और उसके अलावा अपने यहाँ एक वीडियो डाली अलग से। हाँ, बहुत। तो आपका नाम बता के, आपका बेड बता के, आपके नाम का सहारा लेके, जैसे उसने पहले मनु भैया को डिफेम करके अपने आप को ऊपर लेके आया वो। हाँ। और लोग उसको जानने लगे, और मनु भैया के 6 लाख के करीब सब्सक्राइबर थे, उस चैनल को उसने डिफेम किया और चैनल के पीछे पड़ गया कमीना।
ठीक है ना, और लाखों यानी कि 10 से 15 लाख रुपए उसने देके मेरे चैनल को बंद कराया। यहाँ तक वैसे चैनल चलने वाला है, धंधा ये था। वहां पर पहुंचते ही दूसरे हवन के पास में मेरे को भीड़ आके बताती थी, हम मन्नू भैया के सताए हुए आ रहे हैं। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात हो गई, यही बात कि वहां कोई जाता नहीं है, केवल 6 आदमी गए, 6 में से 2 मर गए। नहीं नहीं, कान में भर करके वहां पर पूरे में फैला रखा था कि देखो ये मनु भैया का सताया हुआ है और आओ सब आके देखो। मतलब आप कितने पैसे देके आए? 75,000 कम से कम। 75,000 और डॉक्टर साहब आपके जानकारों ने लॉस कितना हुआ? 5-5 दिन काम का लॉस। उस समय तो मैं जॉब कर रहा था, अब तो जॉब मैंने छोड़नी पड़ी क्योंकि वीकनेस इतनी आ गई। तब तो अच्छा जॉब में था, किसी भी तरीके से काम तो करता था मैं। अब तो उस समय तो बहुत अर्निंग का भी लॉस हुआ। डॉक्टर साहब बस एक बात बता देता हूँ, आप मरने से बच गए। आगे ना आपको कुछ था या नहीं था, लेकिन वह मानव हानि और शरीर की हानि होती है या घर में किसी आदमी की प्राणी की हानि होती है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि लोगों के इतने प्रेत निकल के एक दूसरे पर लिपटते रहते हैं, कुछ हद नहीं। और पितरों के नाम पे आपके पितरों और उल्टा नाराज होते हैं पूर्वजों के नाम पे। क्यों नाराज होते हैं? कि वो अपने प्रेत छोड़ देता है और वो प्रेत आपके शरीर से खेलने लगते हैं। कहता है ना वो पांचवे प्रेत के बाद तो खुलेंगे, उसने अपना जो धागा बांधा है उसी में वो प्रेत तब तक 5 बारी में रमते हैं आपके शरीर में। उसके बाद वो आपके शरीर से खुलते हैं और खेलते हैं जब आपके शरीर में, तब आपका एक नया तमाशा क्रिएट होता है कि उधर से पितर, क्योंकि उनको बदनाम किया जा रहा है, पूर्वज आपके यहाँ जोर लगाते हैं और उन प्रेतों की और पूर्वजों की लड़ाई होती है। और शरीर के अंदर एक ऐसा घमासान होता है कि जिसमें जिसको सब आदमी सहन नहीं कर सकते, बहुत सारे आदमी मर ही जाते हैं। देख लो जो यहाँ से गया, यहाँ के लोग जानते हैं, चाहे वे 6 आदमी थे, आज तक ठीक नहीं हुए। कमी ना एक साल बाद 2 महिलाओं को पकड़ के उनकी वीडियो बना रहा है, भाई तूने क्या कराना है इनसे? तू इन बहनों को माताओं को ठीक करने के लिए बुला रहा है या इनकी बाल आगे करके वीडियो बनाने के लिए? ठीक है ना। देखो डॉक्टर साहब, ऐसे गुरु को और ऐसे अंधे भगत को मैं रखता हूँ जूतियों के नीचे। और सुनो, वो इतना सा बाल बाका किसी का कर नहीं सकता, आपके प्रेत के बंधन भी नहीं खोल पाया होगा, मैं जानता हूँ ये बात। और अभी बताएंगे आपको क्या कहते हैं हर्ष भैया कि आपके शरीर में क्या है कब से है, बता दे। सच्चाई मेरे को जाननी बहुत जरूरी है कि मैं इतना परेशान अपनी गलतियों से हूँ क्या? नाम बताओ अपना। उत्कल गुप्ता, रहते गाँव बरेली। भूत प्रेत की प्रॉब्लम है जितनी भी है, आज से नहीं है, पिछले 6 साल से है। शरीर के बीच में एक आदमी प्रेत अघोरी है, कम से कम कितने रूप चेंज कर लेता है वो, कभी औरत बनेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। सर में भारीपन महसूस होता है, छाती में दिक्कत होती है, गर्दन अपने आप ही चेंज हो जाती है, इन जिबाड़ों में हमेशा दर्द रहेगा। और वो जैसा बताया, बताने के साथ ही वो चीजें खुल गई, एक साथ दबाव आने लगा। अगर आप आंख में भी देखेंगे डॉक्टर साहब हमारी, तो आपकी पूरी की पूरी क्या होगा, चीजें खिंच के ऊपर आने लगेंगे। भैया एक बारी में कम से कम ये काफी रूप चेंज कर सकता है, एक बारी में काफी तो रूप चेंज कर सकता है। मलिन है, इनको किसी ने ना भेजा ना कुछ, किसी भी शमशान घाट से लगा हुआ है। आगे समझ में, ना भेजा हुआ है, शमशान घाट से लगा हुआ है। तो और इनको बहकाया गया, इनको नहीं सारी दुनिया को बहकाया जा रहा है, पूर्वजों के नाम पे ठगा जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि आप अपने पूर्वजों को ठीक करा रहे हैं, उल्टा आपके पूर्वजों को क्या कहते हैं, बेकार कर दिया जाता है, पंगू बना दिया जाता है, जिससे उनमें अशांति फैल जाती है और आपके घर में मानहानि होने लगती है। ये हमने साबित करके दिखा दिया सारी दुनिया को। आप डॉक्टर साहब दुनिया को क्या कहना चाहोगे बताओ? मैं कहना चाहूँगा कि ये समस्या पहले मैं बिल्कुल नहीं मानता था कि भूत प्रेत कोई बीमारी कर सकते हैं। आज मेरे को इस बात का एहसास है, जिस धाम में मैं ठगा गया वो तो खैर बहुत दुष्ट आदमी है, उसकी तो खैर इतनी भी जो है बुराई करो भटका करो कम है। देखो आपका दिशा टीवी पे प्रोग्राम आया डॉक्टर साहब, और दिशा टीवी पे आपने बोला है, वहाँ आपको ये बता दिया गया कि आपको असर रह गया और प्रेत रहे नहीं है। हाँ, यही बहकाया गया, बहकाया खूब, और वहाँ पर लोगों को तैयार किया जाता है ताकि लोग ये कहें, लोगों को आने वाले लोगों को, कि मनु भैया के यहाँ और पंडोखर वाले के यहाँ कुछ नहीं है और केवल यहीं पर इलाज कराए, ऐसा भी किया जाता है। बिल्कुल, सबको बेवकूफ सिद्ध किया जाता है। बीमार होने से पहले इनको कम से कम 3 दिन के लिए बुखार चढ़ाना, 5 दिन नहीं 3 दिन कंटिन्यू बुखार चढ़ाना, सर में भारीपन महसूस रहा होना, उसके बाद ऐसे लगा कि हाँ शरीर के बीच में कुछ होने लगा, फिर लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम होने लगी, कमर का दर्द हमेशा जाता नहीं है, हमेशा रहता है कमर का दर्द, वो प्रेत की वजह से है।
रात को कभी ना कभी कभी लेडीज़ दिखेगी, कभी क्या दिखेगा, कभी क्या दिखेगा, कभी छोटा बच्चा दिखेगा। एक चीज़ पता नहीं कितने रूप धारण करती है, अघोरी है और कुछ भी नहीं है। अघोरी है और कुछ भी नहीं है, एक ही नहीं, फादर बिल्कुल भी नहीं है भाई, मुक्ति हो चुकी है, फादर बिल्कुल भी नहीं है। इनके पिताजी को बता के इन पे क्या कर, क्या कर वो किया, वो बिल्कुल मुक्त हो चुकी है। बाप कभी बेटे का बुरा कभी नहीं चाहेगा। अगर कोई भी किसी को उसको बंधन करके भेजता है ना, फिर भी उसका बचाव करेगा, मारेगा कभी नहीं। पहले आके बताएगा कि तेरे ऊपर कोई मेरे को भेज के बार बार क्रिया करा रहा है, और आके शरीर पे रोएगा। रोता हाँ। तो है नहीं, रोते हैं ये, रोता है घोड़ी, रोता है ये अपनी मुक्ति के लिए रोता है, आपके शरीर में फंस चुका तो है। पापा की जैसी शक्ल बना लेता है बिल्कुल, वो तो बनाएगा। देखो मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, क्या है कि जब आपको बार बार यही कहा जाएगा कि आपके पापा है, आपके पापा है, आपके पापा है, तो इसको करना पड़ेगा नाटक, स्वांग करना पड़ेगा। आगे समझ में, क्यों? क्योंकि ये बड़ा प्रेत है, ये अघोरी प्रेत है, ये स्वरूप चेंज करता है, रूप चेंज करता है, ठीक है ना। जैसे अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें किसी और को बदनाम किया जाता जा रहा था, और वो प्रेत वही बन के आ रहा था। अच्छा। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तो पता चला वो वाला प्रेत नहीं है, वो बहन जी आती है, इंदु बहन जी। हाँ हाँ। और शाम को क्या, उसका देवर बन के आता था, सतीश उसका नाम था, सतीश उसका नाम था। और अब क्या हुआ, अब सतीश के नाम से पहले तो वो चिल्लाता था कहीं भी बैठ के, अब क्यों नहीं चिल्लाता, क्योंकि पता चल गया हमें कि ये सतीश नहीं है। जब आपको पता चल जाएगा तो आपके पिता के नाम से वो नहीं आएगा, स्वांग नहीं रहेगा। हाँ, वो स्वांग नहीं होगा नया, और आपको ये लगेगा, आपको ये पहले ही पता होना चाहिए आपके पिता के नाम से वो पहले नहीं आता था। ये देखिए चेहरे पे खिंचाव देता है। प्रेत का काम ही ये, अगर हम किसी के सामने उसका नाम ले देंगे ये घर का, तो वो ऑटोमेटिक उसी रूप चेंज कर लेगा। अभी तक हमने बना लेते पापा जैसा फेस, हमने देखा इधर औरतें आती है वो पूजा पाठ करती हैं, ठीक है, वो किसी भी धर्म की पूजा पाठ करेगी, जैसे काली माता की अगर कोई भी है, तो प्रेत उसी का ओट लेके हमेशा उसी के बीच में आ जाएगा। काली माता हूँ, ये माता हूँ, वो माता हूँ। आप डॉक्टर साहब लोगों को क्या कहना चाहोगे मुझे ये बता दो। भैया ने आपकी वो खोल दी शरीर की, एक एक बात, एक एक ग्रंथि खोल दी, एक एक चीज की डायग्नोसिस क्लियर कर दी। हाँ। और बेवकूफ बनने की कहीं जरूरत नहीं है, मुझे तो यहाँ पर बहुत सादगी और कहीं से पैसे का तो कुछ व्यापारी नहीं है, सेवा भाव लग रहा है केवल। मैंने तो बाहर सबसे पहले पूछा पर्ची कहाँ कटेगी, मैंने कहा पर्ची नहीं कटेगी भैया ने, मैंने कहा कहीं तो कुछ तो करूँगा मैं, मैंने कहा नहीं बैठ जाओ आओ, और वो प्रसाद और दे दिया। अभी भी देखो डॉक्टर साहब, अब आपकी मर्जी है, हम यहाँ आपको बताएंगे जैसे भैया ने आपको बताया, अब आपकी मर्जी, अपनी क्रिया कराओ या ना कराओ, और क्रिया भी 2,000-4,000। और सुनिए, जो करोड़ अगर हमारे से आप 2 महीने में भी ठीक नहीं हो रहे तो भी आपका हम सबसे ज्यादा जप करेंगे, और केवल आपने उतने ही पैसे देने हैं, उससे ज्यादा देना नहीं है। मैंने 2 साल सेवा करनी पड़ी, आप अपने अलावा, मेरे अलावा, मनु भैया के अलावा बता दो क्या आपकी डॉक्टरी लाइन में कोई ऐसा आदमी है जो जितने वर्ष का हो गया पुराना, कि कोई मेरे पास 3 वर्ष से आ रहा है तो मैं उससे बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ, और उल्टा उसकी सेवा कर रहा हूँ। क्या आपके यहाँ डॉक्टरी में कोई ऐसा डॉक्टर है दुनिया में? या तो सही हो जाते हैं मरीज या फिर नहीं, भागी पेशेंट। आप मान लो, मान लिया 3 मरीज ठीक नहीं हुए मुझसे 1 साल में, और वो 3 मरीज साल भर में ठीक होने हैं, तो मैं उन 3 मरीजों की सबसे ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, इसको क्या मानोगे आप? ये तो आप अपनी पूरी जिम्मेदारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमसे कई बार होता है कि हम 100 ऑपरेशन करते हैं, 1 में कॉम्प्लिकेशन हमसे ही हो जाता है। हाँ। तो पर फिर अगला ऑपरेशन तो क्या डॉक्टर कैंची छोड़ देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अगला, तो ये अपनी जिम्मेदारी होती है अपनी रेपुटेशन और अपनी जो है इज्जत बनाए रखने के लिए, कि कोई भी पैसा आप नहीं लेंगे, नॉर्मली होना यही चाहिए, बाकी गंदगी तो हर क्षेत्र में। आप ये बताएं, आप इतनी देर बैठे यहाँ में और करौली सरकार में क्या अंतर आया? अरे वो तो दुष्टता का पैसे लूटने का व्यापार है, वो तो MBA का। आपसे कितने पैसे लिए, मुंह दिखाई गया? मुँह दिखाई मुझसे तो तब नहीं लेते थे, वो 300 रुपये पर्ची जो कटती थी टोकन की, उस समय तक नहीं कटती थी, पर वो उसके हवन के तो पूरे पैसे लिए ना, 3500 रुपये में निकलता क्या था हवन की किट में। अब तो हमने भी देखा, हमारे पास वो हमें भी लोगों ने कहा, पर तब कोई कह देता था मैं उसे बड़ी गाली देता था। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुकल गुप्ता, आप मुझे एक बात बताइए, हवन करने का अधिकार ब्राह्मण का है, आगे समझ में, हर आदमी को वो वो करा रहा है, हवन करा रहा है। हम जब हवन करते थे लोगों के ऊपर से, सर के ऊपर से घुमा के एक नारियल छोड़ते थे, उस नारियल में उससे बढ़िया बेहतरीन सामग्री दुनिया की कोई चीज ही ऐसी नहीं है जो बाकी रह जाए। ठीक है, काजू, बादाम, छुआरा, किशमिश, अखरोट, और क्या कहते हैं, जायफल, इसके अलावा इलायची, लौंग, और आपकी सुपारी, सुपारी के अलावा जो इंद्रजो जो चीज उसमें पड़ती है वो सारी की सारी, सूखे मेवे, सूखे सब कुछ खुद करते हर एक, और हमें एक गोले में भर के देसी घी मिला के बकायदा। इस कमीने का देसी घी तो हमने आज तक देखा ही नहीं, अब नहीं कैसे जलाता है, कैसे जलाता है। और हर आदमी को हवन करने का अधिकार नहीं है, और उसने अगर हवन करना होगा तो वो हवन करने से तो अपने आप घर में ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या शक्ति काम कर रही है? एक लूले लंगड़े गुरु की। क्या मैंने ये बात गलत कही है कि वो एक अपनी रखेल को पुजवा रहा है?
माता कामाख्या के नाम से क्या मानू भैया ने ये बात गलत कही है, वहाँ पर वीणा लेके कौन बैठी है? बहुत छोटी हो तो उसको नहीं कह रहा मैं। अच्छा, जो उसके गुरु जो वीणा लेके बैठी है वो कामाख्या माता नहीं है, आप अपने फोन में सर्च कीजिए कामाख्या माता। उसकी तो फोटो कामाख्या मंदिर से मैंने कई बार पूछा कि कामाख्या मंदिर में तो ऐसी कोई, वो तो पोज ही अलग है वहाँ पर, वो पोज अलग है, वो तो चीज वहाँ तो योनि की पूजा होती है, वो तो अलग ही है वहाँ से, वो तो माता भगवती है, सारा संसार वहाँ से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और वो क्या करा रहा है डॉक्टर साहब, ये देखिए आप, वो नीच है, नीच कर्म करने वाला, अघोरी नहीं कहूंगा मैं उसको, क्योंकि अघोरी जो होता है वो सिद्धि होती है, अघोरी जो होता है वो सुनिए, जो घोर ना हो है का मतलब ये होता है यहाँ पे, यानी कि जो कठोर ना हो जो साधना, वही अघोर होती है जो सरलता से कर दी जाए, और देवता को जिसमें फौरन प्रतिफल देना ही देना पड़ता है। लेकिन इसकी कोई साधना नहीं है, किसी के बंधन तक नहीं खुलते, किसी का प्रेत तक नहीं कटता, और आपसे ये सिद्ध हो गया। अब ये बताओ इस अघोरी का कोई बाल भी बांका कर पाया क्या आज तक, ये बता दो मुझे, फिर मैं अपने आप निकाल दूंगा अघोरी को, जाओ। कोई नहीं कर पाया, मुझे 10 करोड़ रुपए तो लेने चाहिए उससे जाकर। कितने लेने चाहिए? 10 करोड़ रुपए मैंने स्टेज पे बोला था। एक चवन्नी नहीं दे सकता साला किसी को, पैसे तो बहुत है, पैसे लूटता है, बहुत पैसा है। अभी 50 करोड़ रुपया तो लोगों से ले लिया एक साथ 2 महीने के अंदर अंदर। पता नहीं कौन मूर्ख ने नई इनोवा गिफ्ट कर दी, एक ने 5 करोड़ रुपए का पूरा टेंट बनवा दिया। भैया ऐसे ऐसे मूर्ख फंसाता है, अरे लोग पता नहीं हिप्नोटाइज तो करता है, वशीकरण करता है, वशीकरण है साहब, वशीकरण तो है, वशीकरण है। और जब तक वो ईंट घर पे थी तब तक धंधा हमारा, मेरा काम बिल्कुल बर्बाद हो गया था। और जिस दिन से मैंने वो खोली उसमें निकले भूत प्रेत, और 2 की जगह 2 ले आया, मैंने कहा अभी इसको कमरे के इस कोने में भी नहीं आएगा भूत, उसमें भी नहीं आएगा। अरे साहब सत्यानाश, जिस दिन आपकी वीडियो देखी सबसे पहले मैंने उसे फेंका, फेंकते ही फिर से वापस से काम चालू हुआ। एक महिला को ये कहता है 1 लाख रुपए लेके दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश, NSA लगी हुई है इस पे, कहता है मुझे राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, इसकी साले की शक्ल देख लो, NSA लगी हुई है उसका, क्यों नहीं बताता रामी? मैंने कहा तुम ये 10 करोड़ जब मैंने स्टेज पे बोला तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी मेरी तुमने, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी? तो उस समय एकदम वो रिकॉर्डिंग उसने पीछे इशारा कर दिया कि रिकॉर्डिंग कर तो लिए, ये पब्लिश नहीं होगी वाली रिकॉर्डिंग, जिसमें कि ये बोल रहे हैं कि अभी तो प्रेत है। मैंने कहा मैं ऐसे बोला भाई अभी तो प्रेत है सामने आ गया, मैंने 8 हवन तो मैं कर चुका, देवी माँ बोल रही है प्रेत है, तो दूसरा क्या निकालेगा? यही तो वाइफ बगल में खड़ी होकर के वो भी बोली आपने तो गारंटी दी थी आप ये बताइए, तो 8 हवन के बाद में भी प्रेत मौजूद है और आपके सामने आया है। तो वो पूरी की पूरी वीडियो, मैंने कहा इस वीडियो को लाइव करना ना आप, दिखाना वो कट कट जिसमें कि हम कह रहे हैं कि आप बताइए नियम कहाँ गया, स्टेज पर वाइफ कह रही है वो नियम कहाँ गया साहब आपका, मैं कह रहा हूँ सर वो नियम तो बता दो, मेरे शरीर से ही तो सब ये कूद रहा था। सुनो डॉक्टर साहब, सामने तो आ जाएगा, जूते इतने मारूंगा ना साले के सामने, काले सांड के मनु भैया की आत्मा को बुला रहा किसी को, आप ये बताओ जो किसी को ठीक ही नहीं कर सकता। या सवेरे बहुत बड़ी नौटंकी थी, आप 5 दिन यहाँ रुको, सवेरे से लेके शाम तक बैठो और लोगों से पूछो कितने लोग ठीक हुए हैं, आने वालों से पूछो क्या तुम्हें आराम है, हर आदमी से पूछो, और फिर आप दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलेंगे, उसका नाम है मनु भैया। क्या नाम है? मनु भैया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का बच्चा है, भगवान का बेटा है, और उस भगवान का बेटा है जिसको मात देने वाला संसार में दूसरा कोई ना हुआ है और ना होगा, और इस कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। जय शनिदेव भक्तों, जय शनिदेव। अब बताओ इसका क्या करें, इसका साले का नाश कर दिया है, आपको देख के लोग वहां नहीं जाएंगे, 6 महीने बर्बाद। हाथ जोड़ के लोगों से प्रार्थना कीजिए कि आप इंसान है, दुष्ट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को, क्या अनपढ़ और जो गरीबों को भी लूटा है, किसी को वहाँ नहीं जाना चाहिए, महादुष्ट आदमी है। और मेरे तो 10 करोड़ रुपए उस पर बकाया हैं, उसे मुझे 10 करोड़ देने चाहिए, क्योंकि उसने अपना पूरी की पूरी क्लेम बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे ला करके स्टेज पे बात करता था, डॉक्टर साहब का काम कर रहा हूँ और डॉक्टर साहब ये गारंटी है, मुझे तो 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठोक के जो ताल बोलता था 10 करोड़ रुपए वाइट मनी। मनु भैया की बात सुन लो, वाइट मनी चाहिए। 6 महीने बाद साला गद्दी पे नहीं बैठेगा, लिख के दे रहा हूँ, ये मनु भैया का चैलेंज है, शनिदेव महाराज का चैलेंज है पूरी दुनिया को। अब ये 6 महीने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 1 महीने बाद आदमी दिखना बंद हो जाएगा उसको साले के, खुद के गुर्गे रहेंगे, खुद के चमचे रहेंगे। कल से वीडियो के एक वीडियो पे वो खुले छोड़ दिए कमेंट्स, अब देखता हूँ मेरे फेवर में कितने कमेंट्स आएंगे। साले ने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए उस वीडियो के, 49 कमेंट्स छोड़े, वो भी अपने लोगों के। पैसा तो बहुत बर्बाद किया था मैंने, तो फिर भी बियर कर लिया, जो गरीब बेच बाच के अपनी प्रॉपर्टी गए। कितने लोग मेरे पास आए हैं गरीब, आए जिनको वो चला के दिखा रहा था, जो बच्चे आज चल रहे हैं और कल उन्होंने चलना बंद कर दिया, उनकी वीडियो डाल के उन पे कुछ कुछ लिख के साला लोगों को बेवकूफ बना रहा है, अंधा समझ रहा है लोगों को। लेकिन ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे कालिया, ये तेरा प्राण लेके हटेंगे कालिया। और कालिया एक बात बता देता हूँ तुझे, तू कानपुर के बदमाशों की धमकी देता है मुझे। मनु भैया
त्यागी ब्राह्मण है, और सुन परशुराम की तरह फरसा लेके वहीं आ जाऊंगा, काट डालूंगा तुझे, ये बता दिया है। अगर तूने क्या कहते हैं दिमाग में भी ला लिया मनु भैया, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तू, शनिदेव का भक्त हूं मैं, और क्या तू जेल की का वो दे रहा है, तू साले क्लेम कर, तेरे को स्पिरिचुअल कहलाना नहीं छोड़ दिया तेरे गुरु को और तुझे, तू जो मुल्लाओं का खेल खेलता है ना, अगर ये मुल्ला है फलाना मुल्ला है ये मौलवी है, और जो तू हिंदू मुस्लिम करके तूने गेम खेला है ना आज तक, तेरी सारी राजनीति तेरे पीछे से नहीं ऊपर से डालूंगा और नीचे से निकाल दूंगा दस्तों के माध्यम से, उसके बाद बंद नहीं होंगे, अपने हाथ से गड्ढा खोदेगा जहां बैठेगा, ये लिख ले मेरी बात, ये मनु भैया चैलेंज है तेरे को, तू किसी एक आदमी को ना ठीक कर पाया ना कभी ठीक कर पाएगा, और मेरी बतुआ मेरा श्राप है तुझे, 6 महीने के बाद गद्दी छोड़ के कहीं और ही जाके छिपके मुंह दिखाएगा किसी और को, ठीक है, हो सकता है किसी सड़े हुए तालाब में डूब के मर जाए, और बहुत तरह के कीड़े पड़ने हैं तुझे, रुक जा देखता जा, मनु भैया का वचन है ये, और तेरे 1 लाख आदमी अभी आने वाले हैं, साले एक भी ठीक नहीं हुआ, एक भी, इतनी वीडियो सवेरे 20 आदमी बैठे थे, सबको दिखाया सारी दुनिया को, और अभी भी दिखाऊंगा, साइंस के छात्र साइंस के विज्ञान सब पे 1000-1000 प्लेट लगा दिए तूने साले, तेरी कौन सी दृष्टि खुली हुई है बता, तुझे कौन से क्या कहते हैं ऐसे ने राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया, साले NSA के बारे में क्यों नहीं बताता जो तुझमें लगी, तू अपने कुल गोत्र के बारे में क्यों नहीं बताता जो तू कोई किसी को नहीं बताता, तू साले कौन सी पेटियां भारत सरकार को टैक्स में देता है, जब वह टैक्स लेते हैं तो जब वहां चेक ही चलता है ये साला कौन सी पेटी देता है, तूने जो लोगों को लूटा है ठगा है लोगों का खाया है, तेरे माँ से निकालूंगा, मुझे किसी चैनल की जरूरत नहीं है, आज ही बंद हो जाए, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, मनु भैया पैसे के बारे में नहीं सोचते, तेरे दिमाग में खुरापात चलती है, तेरी 4 कंपनियां बंद होनी है अभी 5, और लंगोट फटनी है तेरी, आगे से गीली होगी और पीछे से पीली होगी, ये बता दिया है तेरे को, बता दिया है काले सांड दुनिया के सबसे बड़े भड़वे तुझे बता दिया है मैंने, और ये डॉक्टर उत्कल गुप्ता बैठे हैं, देख ले देख ले, तू जिनको दिशा टीवी पे दिखा रहा था सारी दुनिया देख ले, 10 करोड़ सारी दुनिया देख ले, 10 करोड़ का क्लेम, 10 करोड़ का क्लेम, 10 करोड़ का क्लेम डॉक्टर साहब, व्हाइट मनी अघोरी है आज भी है, और निकालेंगे मनु भैया, लिख के दे देता हूँ तेरे को साले, मुंह नहीं दिखाऊंगा दुनिया को अगर इस अघोरी को नहीं निकाल पाया, जा क्या कर लेगा तेरी ऐसी तेजी साले, और तेरे गुरु को कहाँ रखता हूँ भाई, दिखा दिखा इसके गुरु को, 1 सेकंड बंद कर, सांड की जैसी शक्ल है वैसी अकल है, जैसा साला मन खाता है जैसा अन्न खाता है वैसा ही साले का मन हो गया है, और अपने गुरु की रोज फुटवा रहा है मनु भैया पे, और रोक के दिखा बड़वे, रोक के दिखा मानूंगा तुझे, तुझे अकल लगा के छोड़ूंगा मैं, अब की बार तेरा पसीना ना निकाल दिया ना आगे पीछे से सब जगह से, तो बताइयो तू मनु भैया को, बहुत फूली फूली खाली तूने दुनिया लूट दी, तेने ऐस गहा बढ़ा रख किया, मनु भैया के मकान से चिढ़ता है आग लगेगी तेरे साले, देख बड़वे ये ले संघार, ओम नमः शिवाय, ओम बोलो सारे संघार।